कोरोना काल में एक ऐसे वक्त में जब कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, खास करके डेड बॉडीज की बात बता रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने अंतिम क्रिया को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से किया, लेकिन करते करते एक ऐसे शख्स की कहानी है जो खुद जो है कोरोना वायरस के अपना और उसकी मौत हो गई। हमारे साथ शहीद भगत सिंह सेवा दल के चेयरमैन शंटी साहब हैं। सर, एक बात बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़रा कुछ बताएं तफसील से। देखिए, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, शहीद भगत सिंह सेवा दल के हमारे सारे ड्राइवर वॉरियर 25 साल का जो एक्सपीरियंस था उसको लेकर चले। प्रशासन ने गाड़ियाँ मांगी, हमने पॉजिटिव पेशेंट्स को घर से क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वहाँ से घर, हॉस्पिटल्स, उसके बाद फिर डेड बॉडी का जब दौर चला, और बड़ा गलत मंजर था वो, जब पांच पांच डेड बॉडी तक एक गाड़ी को ले जानी पड़ी, बहुत भयंकर था ये। लेकिन हमारे ड्राइवर घबराए नहीं थे। 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं हमारे ड्राइवर छुट्टी नहीं करते हैं जी, दिन हो रात हो, और ये आरिफ तो रात को सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं रोज़ जाऊँगा आऊँगा, और घर में भी इन्फेक्शन का डर रहता था। लेकिन बहुत ही हिम्मत करी जी, और वो सबसे पुराने हमारे, समझ लीजिए 30 साल पुराने थे, लेकिन लगता नहीं था कि ये कोरोना काल में इस तरीके से वो भी चले जाएंगे। और जिस तरीके से बहुत दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 60-70 के बीच में ही रहा। और कैसे पता चला, मतलब उनकी तबीयत अचानक ख़राब होनी शुरू हुई? हाँ, 30 तारीख को आखिरी बॉडी उन्होंने मेरे साथ उठाई है बत्रा हॉस्पिटल से, उसी रात को उनको बुखार चढ़ा, और अगले दिन से 2-3 दिन उन्होंने रेस्ट किया, टेस्ट वेस्ट कराए, तो उन्होंने कंजेशन आ गया, यानी जो उनके लंग्स थे उसके अंदर कोरोना समा गया था, और उसके अलावा उन्हें गले में जकड़न आने लगी थी, छाती में जकड़न आने लगी थी, महसूस होता था उनको। फिर हमने सिलेंडर वगैरह लगवा दिए, पहले GTB हॉस्पिटल ले गए, लेकिन घर वालों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, तो बेचारे फिर घर ले गए। तो परसों जब मुझे मेरे ड्राइवर जितेंद्र ने बताया कि उसकी हालत बहुत सीरियस है, फिर मैं खुद घर गया, मैंने घर वालों को सब तरीके से समझाया, उनको गाड़ी प्रोवाइड की, हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, पैसे प्रोवाइड किए, मैंने कहा अभी किसी भी तरीके हॉस्पिटल लेके चलो, और हम उसको जाके हमने बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और लेकिन रात ठीक थे, सुबह नाश्ता भी किया, लेकिन सुबह उनके लंग्स जो बिल्कुल काम छोड़ गए, और उससे डेथ हो गई जी। हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ शहीद भगत सिंह सेवा दल का। मैं समझता हूँ एक ऐसा ड्राइवर, जो ड्राइवर क्या भाई था, अपना बच्चा था, वो उसने पूरा जीवन लगाया जी सेवा के अंदर। इस कोरोना काल में मैं अपने ड्राइवर्स को दाद देता हूँ, जो बेचारे अपने परिवार बच्चों को छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ ये डीमोरलाइज ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त ड्यूटी। कितने बॉडीज़ और कितने लोगों को शिफ्ट किया होगा कम से कम आरिफ में? हम 623 लोगों को अभी तक शिफ्ट कर चुके हैं, और बॉडी आज की भी मैं अगर काउंट करूँ, आज भी 5-6 बॉडी उठी हैं, तो वो 493 के करीब पहुँच गए हैं, 500 को टच कर रहे हैं बॉडी हमारे। अकेले आरिफ ने तकरीबन 500 बॉडी की? नहीं, हमारी जो टोटल डेड बॉडी कैरी करी है हमने, कैरी पेशेंट और हम डेड बॉडी करते हैं, तो हम 1200 को टच कर रहे हैं। उसमें हमारे किसी ड्राइवर ने 50, किसी ने 100, तो कम से कम 150-200 बॉडी में तो, और ये पेशेंट में तो उसका भी श्रेय रहा होगा। परिवार को सब सहयोग मिल रहा है अभी? अभी तक परिवार को किसी भी सरकारी या सामाजिक संस्था ने सहयोग नहीं दिया, और शहीद भगत सिंह सेवा दल का हमारा तो फर्ज बनता है, हमारा परिवार है उस बच्चों के लिए, क्योंकि किराए के मकान में जो आदमी रहता है वो दिल्ली में क्या कर सकता है जी। हमारे लिए बहुत बड़ा ये सदमा है जी, और हादसा है जी, कि हम लोगों को बचाते रहे और खुद हमारा अपना परिवार नहीं बच पा रहे। आप भी ड्राइवर हैं, अब किस तरीके से लोगों को ले जाते हैं, और कितना मुश्किल दौर है आपके लिए? सर, जब जाते हैं, जब सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घबराने वाली, पहले तो लगता था डर, अब लेकिन कल से बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारे जो पूरा सहयोग है हमारे भाई साहब का, और खुद भाई साहब हमारे साथ, तो हमें हमारी पूरी हिम्मत बनी रहती है भाई साहब के साथ से, जो कि पहले हम भाई साहब खुद आ गए, बढ़ चढ़ के काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो फिर अपनी भी हिम्मत जुटी रहती है। लेकिन कल से हमारी काफ़ी हिम्मत टूटी है, कि एक हमारे मैं उन्हीं के सामने आया हूँ, उन्हीं के सामने मैं भी बड़ा हुआ हूँ, और मतलब बहुत पुराने थे वो हमारे पास, काम कर रहे थे, और यहीं दिन रात हम लगे रहते थे, वो लगे रहते थे, तो हमारी उनके साथ और भाई साहब साथ पूरा, मतलब हम छोटे और काफ़ी मतलब कि सहयोग रहता है उनको। आरिफ खान का मनोबल थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन हौसला अब भी बरकरार है, और इसी हौसले ने आज से फिर दोबारा से इनको उसी काम में लगाया जिस काम को वो करते आ रहे थे। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।
यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।